मेरा नाम है चंदन और आप देख रहे हैं हेल्प सीरीज यूट्यूब चैनल। आइए इस वीडियो में हम आपको बता रहे हैं कि VLC मीडिया प्लेयर में चल रहे वीडियो में से गाना या फिर वीडियो का कुछ भाग कैसे अलग किया जाता है। जी हाँ फ्रेंड, किसी भी वीडियो में से गाना या फिर उस फिल्म का गाना या फिर उस फिल्म में से एक वीडियो कैसे अलग किया जाता है, चलिए देखते हैं। इसके लिए सबसे पहले आपके डेस्कटॉप पर जो VLC मीडिया प्लेयर है उसको डबल क्लिक करके ओपन कर ले। ओपन करने के बाद टूल्स पे क्लिक करें। टूल्स पे क्लिक करने के बाद कस्टमाइज इंटरफेस पर क्लिक करें। उसके बाद आपका VLC मीडिया प्लेयर यदि अपडेट किया हुआ हो, यानी 2.2.6.6 का हो, तो उसका ऑप्शन नीचे आता है। 2.6 से नीचे वर्जन का हो तो उसका ऑप्शन इस साइड शो करता है। अब यहाँ नीचे आए और यहाँ रिकॉर्ड लिखा हुआ है, रिकॉर्ड लाल रंग का सिंबल बना हुआ है, इस रिकॉर्ड वाले बटन को क्लिक करें और ड्रैग करते हुए यहाँ पर लाके छोड़ दें। ठीक, उसके बाद क्लोज वाले बटन पर क्लिक करें। क्लोज वाले बटन पर क्लिक करने के साथ वो जो रिकॉर्ड का बटन था वो आपके VLC मीडिया प्लेयर में ऐड हो जाता है। जैसे देखिए यहाँ पर ये ऐड हो चुका है, चूंकि ये हिडन है क्योंकि इसमें अभी कोई वीडियो नहीं चल रहा है। चलिए देखते हैं कि वीडियो रिकॉर्ड कैसे होता है या फिर किसी फिल्म से गाना कैसे रिकॉर्ड कर सकते हैं, अलग कर सकते हैं। इसके लिए आपको किसी वीडियो को ओपन करना पड़ेगा VLC मीडिया प्लेयर में। जब वीडियो ओपन हो जाए तब यहाँ ये लाल वाला आइकॉन शो हो जाता है। वीडियो रिकॉर्ड करने के लिए इस पर क्लिक कर दें। क्लिक करने के साथ ये आइकॉन हल्का ब्लू रंग का हो जाता है। जी हाँ फ्रेंड्स, क्लिक करने के साथ ये आइकॉन हल्का ब्लू रंग का हो जाता है। ब्लू रंग का होने के साथ आप समझ जाए कि हमारा वीडियो जो है रिकॉर्डिंग हो रहा है। जितना भाग का आप वीडियो रिकॉर्डिंग करना चाहते हैं उतना भाग वीडियो रिकॉर्डिंग हो जाने के बाद इस पर पुनः एक बार क्लिक कर दे, पुनः ये व्हाइट हो जाता है। अब देखते हैं कि ये वीडियो जो यहाँ से रिकॉर्ड किया गया कहाँ सेव होता है। इसके लिए आपको माइक कंप्यूटर पर क्लिक करना होगा। जब माइक कंप्यूटर ओपन हो जाए तब वीडियो वाले सेक्शन में जाए। वीडियो वाले सेक्शन में जाने के बाद यहाँ पर शो हो जाता है VLC रिकॉर्डेड फाइल। इसका यूज आप 15 नवंबर के बाद अपने, देखिए ये रिकॉर्ड हो चुका है। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में आपने जाना कि किसी VLC मीडिया प्लेयर से गाना का कुछ भाग या फिल्म से गाना कैसे अलग किया जाता है। वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। हैप्पी दिवाली फ्रेंड्स।